हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। डी ट्रिपल एस बी जो टीजीटी साइंस की क्लासेज है वो आप लोग ऑलरेडी देख रहे होंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको क्लासेज अब मिलनी स्टार्ट हो गई है। आगे आने वाले टाइम में आपको अलग अलग टॉपिक पे और प्रॉपरली एमसीक्यू बेस्ड जो क्लासेज है वो आपको मिलती रहेगी। आज हम वीडियो को लेके आए हैं सीटेट जो आपका 21 जनवरी को हुआ है। एग्जाम तो हुआ लेकिन पीछे कुछ क्वेश्चन छोड़ के गया है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे कि क्या रहने वाला है आगे, किस तरह से सिस्टम मेंटेन होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नेक्स्ट सीटेट की टाइम फ्रेम हो सकती है, कि किस तरह से हम आगे प्रिपरेशन करें। तो आज की इस वीडियो में ये सभी टॉपिक रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। तो आज का टॉपिक है जो आपका री एग्जाम जो था पॉइंट वो, साथ ही साथ आंसर की और रिजल्ट जो है सीटेट का वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, एग्जाम जो आपका है लीक की काफ़ी सारी घटनाएं जो है वो आपके सामने आई थी कि एग्जाम जो है लीक हुआ है, चाहे वो पहली शिफ्ट में पेपर टू हो या फिर सेकंड शिफ्ट में पेपर वन हो, दोनों के साथ में काफ़ी ज़्यादा कुछ जगह कुछ लोगों ने सबूत भी दिए हैं, काफ़ी जो अपना मैं न्यूज़ रही। लेकिन सीबीएसई ने जो सीबीएसई है जो कि आपका एग्ज़ाम जो है सीटेट उसको कंडक्ट कराती है, उसने टोटली इस पर किसी भी तरह का कोई भी अपडेट नहीं दिया। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि सीबीएसई ने अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहा है तो एग्जाम उसके लिए ये लीक नहीं हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि सोए को तो उठा दे लेकिन उसे कैसे उठाए जो सोया ना हो। तो एग्जाम लीक हुआ है, काफी लोगों ने कहा है, लेकिन सीबीएसई अगर उसको नहीं मानता तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम लीक ही नहीं हुआ, क्योंकि जब ऑन पेपर कोई ये नहीं कहेगा आके कि हाँ एग्जाम लीक हुआ था, किस सेंटर पे हुआ है, हम एग्जाम को रीकराने वाले हैं कि नहीं कराने वाले हैं, पूरा कैंसिल कराने वाले हैं। तो एग्जाम को जब ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं पर आपके पास कोई भी अपडेट नहीं है सीबीएसई की वेबसाइट पे या फिर सीबीएसई की तरफ से या फिर हम कह सकते हैं सीटेट की तरफ से, तो अल्टीमेटली आपका जो एग्जाम है ये ही इसी को माना जाएगा। इसी के आगे जो भी है आपकी आंसर्स की और रिजल्ट जो है आपके कंपाइल होगा। रही बात कि अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है कुछ भी रहा तो आगे एग्जाम सीटेट का 6 महीने पे होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि आंसर की, तो हमेशा से जो आंसर की है वो 10 से 15 डेज के बाद एग्जाम से आपको देखने को मिल जाती है, करीबन 10 से 15 दिन में आपको मिल जाती है। तो 21 जनवरी को एग्जाम हुआ है, यहां से आपके पास क्या बनती है लगभग 10 फेब से पहले पहले, मतलब आप इसको मान सकते हैं 5 फेब से 10 फेब के बीच में आपको कहीं ना कहीं इन 20 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी, और उसके क्या कहते हैं 15 दिन, हार्डली 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि आपका बनता है 25 फेब। तो यहां से आपके पास जो बनेगा 25 से जो आपका 29 फेब है, अल्टीमेटली जो आपके पास है फेब का मंथ, वहीं पर इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसी के बीच में आपको आंसर की भी देखने को मिलेगी, और आप अपने क्वेश्चंस पे क्या कर सकते हैं चैलेंज भी करना चाहेंगे तो आपके लिए वहां पे पोर्टल भी अवेलेबल हो जाएगा। अगले 10 दिन में आपके पास आंसर की होगी तो आपके पास कहीं ना कहीं ये भी होगा ऑफिशियल आंसर की के बाद कि आपका एग्जाम क्लियर होता है कि नहीं होता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट की प्रिपरेशन, या फिर जैसे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी है उनकी प्रिपरेशन अगर आप चाहे, या फिर अलग स्टेट से हैं तो वहां भी अगर कोई वैकेंसी देखने को मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए आंसर की जो कि आपका 10 जो फरवरी है वहां तक का टाइम, और रिजल्ट आप कह सकते हैं फरवरी लास्ट तक, तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसके बाद आ जाता है बात कि आपका जो सीटेट है, जो नेक्स्ट सीटेट है, उसकी क्या टाइम फ्रेम रह सकती है, क्योंकि अगर जिन लोगों का एग्जाम हो जाता है क्रैक तो आपको पता ही है ऑलरेडी लाइफ टाइम इसकी क्या है वैलिडिटी है, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होने की वजह से आप तो दोबारा देने की कोशिश ना भी करें तो चलेगा, अगर आपका एग्जाम अच्छे से हो जाता है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप दोबारा भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक बार एग्जाम में पास होने के बाद इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो उसके बाद आता है जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट जो सीटेट है वो कब तक हो सकता है, उसकी क्या टाइम फ्रेम है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा जुलाई और अगस्त के नाम से, जिसकी एक्सपेक्टेड जो डेट्स होंगी वो आप मान के चल सकते हैं जुलाई मिड तक, जुलाई मिड से उसकी एक्सपेक्टेशन शुरू होगी कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, और अगस्त तक या अगस्त मिड के बीच में ही ये सब चीजें हो जाएंगी। तो अगर हम लेके चलते हैं कि आपके पास अगस्त मिड में आ जाता है फॉर्म, या फिर स्टार्टिंग में कह सकते हैं नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के साथ ही फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, तो जो आपका फॉर्म फिल होगा वो करीबन 20 से 25 दिन तक आपका क्या होता है फॉर्म फिल किया जाता है। तो आपके पास आ गया है अगस्त मिड, तो अगस्त मिड का आपके पास क्या आता है कि टाइम आ गया है जिसमें आपके पास फॉर्म, अगर इनिशियली स्टार्ट होता है अगस्त से स्टार्ट होता है
तो अगस्त मिड तक आपके पास क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही एग्जाम जितना लेट आएगा, मतलब फॉर्म जितना लेट आएगा, उसी हिसाब से वो टाइम फ्रेम आगे चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम की जो चांस बनेगी उसके एक महीने बाद, जो कि सितंबर मिड से आपके एग्जाम की चांस रहेगी कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम हो सकता है वो हो सकता है सितंबर के महीने तक। ये पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट सीटेट की, और हो सकता है ये आपको जल्दी देखने को, जैसे ही यहाँ से रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद आगे आपकी प्रक्रिया जो है आगे की वो शुरू होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम जो है पहले जैसे कोविड के टाइम में एक बार हुआ था, लेकिन अब क्या है सीटेट वापस दो टाइम पे कराने के तर्ज पे वापस आ चुका है। तो आपको एग्जाम दोबारा देखने को मिलेगा, जो कि आपको मिड ईयर में ही मिलने वाला है, जिसकी आप एक्सपेक्टेड डेट लेके चल सकते हो फॉर्म से लेके एग्जाम तक की, वो होगी जुलाई से लेके सितंबर मंथ तक की। बात करें अगर सिलेबस और मोड की, देखिए मोड अभी के जो आपने एग्जाम के बाद की उसमें ऑलरेडी लीक का केस रहा, या फिर उससे पहले देखिए ऑनलाइन में डिफिकल्टीज रही, तो डिफिकल्टीज हमेशा क्या कह सकते हैं हम, पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो वो कभी चेंज नहीं होगी। तो एग्जाम जो अभी तक एक्सपेक्टेड रहेगा वो आपका जो मोड है वो इस बार भी ऑफलाइन का रहने वाला है। आगे अगर चेंज होता है सीबीएसई कंडक्ट ना करा के अगर अलग चेंज होता है कुछ भी इस तरह का, तो उस केस में क्या होता है मोड चेंज होने की चांस रहेगी, लेकिन अभी के केस में आप ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस का अभी भी कोई भी ऐसा आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आपको सिलेबस भी चेंज देखने को मिले। तो हो सकता है ये लास्ट ऐसा सीटेट हो जिसमें सिलेबस चेंज ना हो, क्योंकि क्या है ना अभी इलेक्शन है, आगे एग्जाम्स हैं, तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीबीएसई के अंडर में चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या रहेगा, आपके पास सिलेबस चेंज होने की चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस वजह से क्या रहेगा कि आपका जो सिलेबस है ये लास्ट टाइम होगा जो रिपीटेड रहेगा इस बार, और आगे से शायद ये सिलेबस चेंज होगा। इसीलिए आप लोग अटेम्प्ट करिए, जिनका एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हुआ था वो एग्जाम को इस अटेम्प्ट में फाइनली क्रैक करें, क्योंकि ये जो 2024 है या फिर हम कह सकते हैं स्टार्टिंग 2025 है, वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्शन का टाइम मान सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस का टाइम मान सकते हैं, और जैसे जैसे गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उसी तरह से आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसीज का टाइम है वो लास्ट या फिर सबसे अच्छा टाइम यही है। तो प्रिपेयर करिए अच्छे से, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप एप्लीकेशन हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडियाज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे भी, वहाँ पे भी आपको क्लासेस मिलती रहती है बहुत ही कम कॉस्ट में। बाकी कोई भी पॉइंट है आप हमसे फ्रीली जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।